अच्छा एक बात बताइए, बहुत ज़्यादा मुद्दा उठता है कि क्यों रात को शरीर को जलाया गया, इस तरीके की बात उठती है, तो इसके बारे में बताइए कि आप लोगों को कोई जानकारी थी, क्या था पूरा उस वक्त का क्या वजह था? देखिए हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि ये लोग रात को ही मतलब जला देंगे। ये तो जब जला करके सब प्रशासन ने ये यहाँ से जब चला गया तो उसके बाद हमें तो पता चली कि हमारी बहन की डेड बॉडी जला दी। हमें तो लास्ट बार भी उसका मुँह नहीं दिखाया और ये भी नहीं पता हमें वो किसकी डेड बॉडी थी जो रात को जला दिया पेट्रोल डाल के। टायर से क्यों जला रहा है, उसमें उसके परिवार के लोग शामिल थे। दाह संस्कार में क्या होता है, उसके परिवार के फैमिली के लोग जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे मेन आदमी न जा करके उसके परिवार के लोग चले जाते तो उसके चाचा ताऊ अन्य लोग भी तो उसमें शामिल थे दाह संस्कार में। उसको फुटेज को देखे ना, वो जो जहाँ पर वो लड़की को जलाया गया है उसमें उसके परिवार के लोग जो शामिल हैं उनको देखें, उनको पहचान करेंगे कि ये परिवार के लोग हैं या नहीं है। और फिर इनको सभी को पता थी कि लड़की का दाह संस्कार हो रहा है, वो अपने गमगीन माहौल में थे, इसलिए उन्होंने अपने चाचा ताऊ और अपने भाइयों को वहाँ पर जगह पर भेजा था रात को। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी मैं बूलगढ़ी गांव में हूँ। बूलगढ़ी गांव ये वही गांव है जो हाथरस विधानसभा में लगता है। गाँव बहुत चर्चित था और ये चर्चा में ठीक एक साल पहले आया था सितम्बर में, और उस वक्त हाथरस का मुद्दा, दलित की बेटी, दलित का मुद्दा और दलित नाम से लेकर यह हाथरस बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। आज भी यहाँ हाथरस की राजनीति होती है तो जाति की बात होती है, जाति की बात होती है तो फिर से उठती है दलित का नाम, और दलित की बात उठती है तो बात फिर याद आती है दलित बेटी की। तो हम चल कर आए हैं आज उनके घर पर, उनके परिवार से मिलने, उनके भाई से मिलने, उनके भाई संदीप से बात करेंगे कि आखिर क्या था वो सारा सच। जानते हैं कि बहुत सारे सच, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे इसके अलग अलग एक चेहरा सामने आया। किसी मीडिया ने आपको कुछ दिखाया, किसी मीडिया ने आपको कुछ सुनाया, लेकिन आज हम खुद उनके घर पे आए हैं, उनके भाई से बात करेंगे। ये उनका घर है जहाँ पे ये रहते हैं, यहाँ इनके भाई हैं संदीप, इनसे हम बात करेंगे। संदीप, क्या आपका नाम संदीप है, राइट? संदीप जी आप बैठ सकते हैं, आप बैठ जाइए एक बार। नाम नहीं ले सकते, ठीक है। आप बताइए कि क्या हुआ था उस वक्त, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे प्लीज़? माफ़ी चाहूँगी, मैं फिर से एक गरीब मुर्दे को उखाड़ रही हूँ, काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन क्या था उस वक्त और क्या पूरा आप थोड़ा सा मुझे बताइए। उस वक्त मैम ये बड़े वाले भैया थे, मम्मी थी और जो सिस्टर है मेरी वो थी, वो तीनों ये चारा लेने गए थे खेत में, तो उसी समय ये घटना कर दी। देखिए मेरा सवाल थोड़ा सा अलग होगा, तीखा होगा, शायद बहुत मीडिया को आपने इंटरव्यू दिया होगा, बहुत लोगों ने आपको परेशान किया होगा, पर क्या ये सच नहीं था कि आपका नाम और उस लड़के का नाम, दोनों का नाम लगभग सेम था, दोनों का एक ही नाम था? वो तो हाँ सेम है, नाम तो सेम ही है, नाम दोनों का सेम है। आज जो जेल में है और अब ये केस CBI के पास जा चुकी है, आपके घर के चारों तरफ CBI के केस जाने की वजह से सिक्योरिटी है सर, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या एक कन्फ्यूज़न का कोई गलतफहमी नहीं है कि दो नाम की वजह से कोई गलतफहमी क्रिएट हुई है? ये तो हम जो जांच है ना उसने सब कुछ दिया है, वो तो कोर्ट में पेश हुआ है जी। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ज़्यादा मुद्दा उठता है कि क्यों रात को शरीर को जलाया गया, इस तरीके की बात उठती है, तो इसके बारे में बताइए कि आप लोगों को कोई जानकारी थी, क्या था पूरा उस वक्त का क्या वजह था? देखिए हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि ये लोग रात को ही मतलब जला देंगे। ये तो जब जला करके सब प्रशासन ने ये यहाँ से जब चला गया तो उसके बाद हमें तो पता चली कि हमारी बहन की डेड बॉडी जला दी। हमें तो लास्ट बार भी उसका मुंह नहीं दिखाया और ये भी नहीं पता हमें वो किसकी डेड बॉडी थी जो रात को जला दिया पेट्रोल डाल के। जी। तो मतलब कि इस वक्त आपको कब आपको पता कब चला, कितने देर बाद पता चला? ये तो जब उन्होंने जब जला दिया रात को तो उसके बाद हमारे पड़ोस के जो हमारे परिवार के लोग हैं उन्होंने वो जो चिता जलती हुई जब यहाँ से छत से देखी, बोला उन्होंने तो बॉडी को जला दिया, तब पता चला। तो वहाँ पे फिर हम लोगों को आपके गांव में ही बॉडी जलाई गई? हाँ, हमारे गांव से 500 मीटर की दूरी पर शमशान घाट है, वहाँ पर जलाया गया। अच्छा ठीक है, तो आपको कैसे पता है, किसने बताया था? हमारे जो परिवार के जो रिश्तेदार रुके हुए थे वो छत पर से मतलब दिखता है वहाँ से शमशान घाट, तो वहाँ से उन लोगों को पता चला। तो शमशान घाट छत से दिख रहा था तो पता चल गया कि आपकी बहन की बॉडी है? हाँ नहीं, वो वहाँ पे जो और कोई मतलब डेड बॉडी नहीं थी, वहाँ पे जो भी प्रशासन जो भी फोर्स लगी हुई थी वहाँ पे उन्होंने देखा के बोला उन्होंने डेड बॉडी को जला दिया गया। और यहाँ से प्रशासन जो है उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी तो यहाँ से वो छोटा-छोट गाड़ियाँ सभी चली गई। अच्छा गाड़ियाँ फिर चली गई। अच्छा एक बात बताइए सर, उस वक्त जब ये सारा इंसिडेंट हुआ था भाई, तो उस वक्त जो सारी चीज़ें जिस तरीके से छानबीन हो रही थी, पुलिस यहाँ पे मीडिया का आना मना था, सारी चीज़ें हो रही थी, तो बहुत अलग अलग तरीके की बातें हो रही थी। एक तरह से कई बातें हो रही थी कि ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद ये उत्तर प्रदेश, आप हाथरस उत्तर प्रदेश में हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आपको सरकार से क्या मदद मिला? देखिए सरकार से तो मदद हमें जो सरकार ने जो कंपनसेशन दिया था वो मदद मिली है। और कितने की कंपनसेशन मिली थी और सारी चीज़ें खुल के बताइए, साफ साफ सच बताइए। 25 लाख दिए थे आज जो, और एक नौकरी और आवास के लिए बोला था और केस जो फास्टैग चलाने के लिए बोला था, लेकिन ये चीज़ें जो अभी मतलब 25 लाख रुपये आप किसके अकाउंट में आने थे? वो परिवार के किसी मतलब किसी परिवार के एक सदस्य के अकाउंट 25 लाख रुपये मिले आप? हाँ वो मिल गए, सरकार ने उसी समय दे दिए थे। लेकिन किस तरीके की बातें हो रही हैं नौकरी और आवास को लेकर? आवास के लिए और नौकरी के लिए ये बात हो रही है कि अभी हमारा जो अभी इसका मैटर लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा है और जो क्रिमिनेशन क्या वो भी हाई कोर्ट में ही चल रहा है। तो राज्य सरकार ने कोर्ट ने जवाब मांगा था, तो वहाँ के राज्य सरकार के जो वकील हैं उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है सरकारी, तो वो बोल रहे हैं कि इस ज़मीन को जो है हम सरेंडर कर दें, उसके बाद नौकरी और आवास दिया जाएगा। किस तरीके किसके पास ज़मीन है? हमारे पास मतलब जो हमारे घर में जो ज़मीन है थोड़ा सा मिला हुआ था वो पहले सरकार में, तो उस समय सरकार से पहले भी ज़मीन मिली हुई है। नहीं मतलब इस सरकार में नहीं मिला, हमारा तो जन्म भी नहीं होगा उस सरकार, मतलब इंदिरा गांधी के ज़माने में मिला था। तो उस समय थोड़ा सा ज़मीन है उसको ही बोल रही है। कितना ज़मीन है वो? वैसे तो 5 बीघा है मौके पर, लेकिन पूरा नहीं है, कागज़ में 5 बीघा लेकिन मौके पर नहीं है, वो भी दबा रखा है लोगों ने। तो सरकार चाह रही है कि इसको हम सरेंडर कर दें, उसके बाद नौकरी और आवास दिया जाएगा। लेकिन सरकार का पहले तो ऐसा कोई कमेंट नहीं था, ये तो अब ये सरकार कर रही है। अच्छा बताइए इस मुद्दे के कितने दिनों के बाद आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए आ गए? ये तो घटना हुई थी उसी समय, जो सरकार ने जो वो दिया था वो तो सबको मीडिया में सारी चीज़ें चली हैं। तो पैसे मिल गए थे आपको? हाँ उस समय दे दिया। सरकारी नौकरी की बात की गई वो नहीं दिया, ना आवास दिया। उम्मीद है आपको कि सरकार से जहाँ पे 25 लाख रुपए आपको दिए गए, जहाँ पे इतनी जल्दी केस को सीबीआई में सौंपा गया, इतना इमीडिएट एक्शन लिया गया, तो उम्मीद है कि जिस तरीके से आपको रकम दी गई है आगे भी आपकी सहायता की जाएगी? देखिए हम लोग तो उम्मीद में ही हैं, 1.5 साल से उम्मीद में ही बैठे हैं और आगे भी उम्मीद से ही बैठे हैं आगे भी। अभी देखते हैं कब तक क्या होगा। एक बात बताइए, ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको सरकार की तरफ से मिल रही हैं इस वजह से, इसके अलावा हमने सब ने कोरोना की मार झेली, तो इस बीच में आपको महीने में जो 2 बार जो राशन मिलते हैं और सारी जो सुविधाएं मिलती हैं वो पहुंचता है आपके घर पर? हाँ वो तो मिलता है, खैर वो तो मिल रहा है। क्या क्या मिलता है? वो तो पहले से मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही हैं सरकार से वो सारी मिलती है। और महीने में क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होती है? बिजली, पानी और क्या क्या चीज़ें आप लोग को यहाँ पे? बिजली पानी का वो तो शुरू से चला आ रहा है। मैं आई हूँ, गाँव आपका बहुत अंदर है, अंदर की तरफ आपका गाँव है, तो जी तो यहाँ पर हाँ वो तो है, अंदर है, वो बाकी सुविधाएं तो जैसे मिल रही हैं। आपके घर के पास आई तो यहाँ पे कुछ पीएसी के जवान यहाँ पे लगे हुए हैं, आपके घर पे सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो क्या वजह है इन सुरक्षा बढ़ाने? क्या मीडिया एक वजह है या और क्या वजह हो सकती है कि आपके घर पे सुरक्षा बढ़ाई गई? सुरक्षा तो ये मीडिया की वजह तो खैर वो तो है ही है, लेकिन वजह ये है कि यहाँ पर जब उस समय घटना हुई थी उस समय पुलिस का जो रवैया था वहाँ पर, यहाँ पर जो लोगों को वो नहीं संभाल पा रही थी, यहाँ की व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही थी, तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा है इस CRPF का, जो कि आज यहाँ पर है। जी अच्छा एक बात बताइए सर, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जब बढ़ चढ़ के इस फैसले को खुद बहुत इमीडिएट फैसला लिया, खुद इसमें हस्तक्षेप किया और बहुत जल्दी से सारे फैसले को, चाहे वो CBI में केस देना हो, चाहे वो यहाँ पर आपके 25 लाख रुपये का रकम हो, इन सारी चीज़ों का बहुत फास्ट और बहुत जल्दी हुई। हालांकि अब तक आपको अभी घर नहीं मिला है और अभी तक आपके एक नौकरी जो अभी तक रह रही है, जिस चीज़ को आप उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मिल जाएगी, तो अगर लगता है किसी और की सरकार होती तो इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो पाती? नहीं वो तो सारी चीज़ें कोई भी सरकार होती वो तो करती। और केस के लिए भी बोला था कि फास्टैग चलेगा, लेकिन फास्टैग लग नहीं रहा है, वो चल रहा है हर एक महीने बाद एक डेट पड़ रही है अब तो। और जिस चुनाव से पहले दिसंबर लास्ट ये वीकली। लेकिन बात तो ये हो रही है कि उन सबको फांसी की सज़ा मिलेगी, क्या उम्मीद है आप? बिल्कुल होनी चाहिए, हमारी तो यही मांग है, जो हमारे साथ हुआ है और जो हमारी बहन के साथ जो वो किया है उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो अभी अगर मैं अभी के आज के घर के हालात पूछूँ तो आपके घर में कितने लोग हैं जो कमाने वाले हैं? कमाने वाले तो अभी कोई, वैसे तो हम 3 पापा, हम 2 भाई हैं और पापा हैं, लेकिन अभी परिवार के लोग सभी अभी घर में सुरक्षा में हैं, तो इसलिए कोई कमाने या कोई कहीं जा नहीं रहा है। तो ये क्या मना किया गया है या आप अभी नहीं जा रहे हैं? मना तो नहीं किया गया, लेकिन सुरक्षा में हैं हम लोग, तो अभी काम पर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और कौन रखेगा? अंदर बाहर आना जाना अलाउड है आप लोग? नहीं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, वे भी सुरक्षा के साथ जा सकते हैं। अच्छा जब आप बाहर जाते हैं तो आपके साथ सुरक्षा? जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और हमारे अभी यही एक सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश रहेगी, जिस तरीके से इनसे वादा किया गया है, जिस तरीके से सरकार ने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इस तरह की बातें हुए कि एक आवास भी दिया जाएगा और इसके अलावा इनके घर में किसी एक को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। 1.5 साल से ये उम्मीद में है और हम मानते हैं कि ये उम्मीद भी सरकार पूरी करेगी और बहुत जल्द इन्हें घर में किसी एक को नौकरी दी जाए और इन्हें बहुत जल्द एक आवास भी मुहैया कराया जाए। देखिए, मैं बूलगढ़ी के अब दूसरे घर में आई हूँ, मैं कहूँ तो। अभी मैंने आपको संदीप का फेस दिखाया, संदीप की बातें सुनवाई। वो वही संदीप है जो मनीषा के भाई हैं, जो आज हमारे बीच नहीं रही, जिसे पीड़िता कह के आज पूरा हाथरस के ऊपर एक राजनीति खेली जा रही है। उन्हीं से दो सटे एक गांव, उसी घर में, उसी गांव में, बस एक सटे एक अलग घर है जिनका मैं ये पूरा गांव दलित का गांव है। तो दलित के नाम पे समाज यहाँ पे क्यों खिलाता है दलित की बेटी? ऐसा है कि उन लोगों को ही लगता है कि केवल गांव बूलगढ़ के अंदर सभी लोग दलित हैं, जबकि बात बताइए, क्या मनीषा दलित थी? हाँ, मनीषा दलित थी, वो दलित थी, वो जाति से हरिजन थी, पर गाँव में सभी परिवार मतलब ठाकुर और ब्राह्मण हो गए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपचंद है। चंद है। तो ये आप लोग यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ जातिकरण की बात सबसे ज्यादा होती है, तो क्या ये पूरा गांव यहाँ पे दलितों का है या आप लोग ठाकुर हैं, क्या है? नहीं, यहाँ दलितों के ग्राम नहीं बोला जाता, ये ठाकुर ब्राह्मणों का ग्राम है और दलितों को केवल ये 2-4 ही परिवार हैं। बताइए, यहाँ पे पास ही में बीते कुछ दिनों में बहुत बड़ा यहाँ पे कांड हुआ, जो जिस नाम से आज तक राजनीति खेली जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना का काल आया जिसमें हर घर में राशन पहुँचाने की बात करते हैं मुख्यमंत्री, कि मुख्यमंत्री के हिसाब से आवास योजना का लाभ पहुँचाया गया घर घर तक। तो आप तक पहुँचा है ये लाभ? आपको मिला है राशन? आपको मिला है सारी जितने भी योजनाएँ निकली उसका लाभ मिला आपको? हाँ, योगी आदित्यनाथ ने जो भी योजनाएँ अपने स्तर से जो लागू की हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ पूरे गांव बूलगढ़ी को मिला है और दलित परिवार को भी मिला है। इसमें अछूता कोई नहीं रहा है, सभी को समानता के अधिकार के अनुसार और सभी को लाभ मिला है गांव बूलगढ़ी के अंदर। बात बताइए, मैं ज़्यादा आपसे पुराने केस में नहीं जाऊंगी, मैं लाभ पे भी बात करूंगी, योगी आदित्यनाथ की बात करूंगी। इसी गाँव में ये बात, जब भी हम बाहर डिबेट करते, देखिए मैं अलग अलग जगह जाती हूँ, डिबेट करती हूँ, अलग अलग जगह जाती हूँ, चुनाव की बात होती है, विकास की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, लेकिन आपके शहर में, आपके हाथरस में महिला सुरक्षा के तार तार कर देने वाला एक बहुत भयानक घटना हुआ, जो हमेशा से अब एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है हाथरस का। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे क्या महिला सुरक्षित नहीं है हाथरस में? नहीं, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में महिला भी सुरक्षित हैं, पुरुष भी सुरक्षित हैं। ये तो एक विपक्षी लोगों का, या ये कहें कि कांग्रेस वाले, सपा वाले और बसपा वाले, इन लोग और आरएलडी वालों की ये चाल थी, गांव बूलगढ़ के अंदर दंगा भड़कना चाहिए और ये गांव की शांति को अशांति के रूप में बदलना चाहते थे। इन लोगों का मेन कारण था कि केवल गांव को एक तरीके से फोकस कर दिया जाए कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मगर गांव के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। ये लोग तो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और बाबा योगी के शासन को बदनाम करने के लिए इन लोगों की एक चाल थी। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये लोग, हर चैनल पर मैं देखता हूं, आज तक वाले, एबीपी वाले और ये सभी चैनल वाले गाँव बूलगढ़ी को और हाथरस कांड के नाम से बदनाम करने। फिर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या बूलगढ़ी गाँव इतना खराब गाँव है? और इस गाँव हाथरस इतना खराब शहर नहीं है, ना ही ये गाँव इतना खराब है। केवल खराब है तो ये विपक्ष वालों की मानसिकता खराब है कि साहब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कि ये सुरक्षित नहीं है, कौन किसके ऊपर क्या अत्याचार हुआ है। आज भी बूलगढ़ी के अंदर सभी लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने सभी लोग अपने अपने नित्य की तरह अपने काम को कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। चलिए, मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगी आपसे, सिर्फ इतना सवाल पूछूंगी, आपके पास में ही, इसी गांव में, यहीं पे कुछ 100-200 मीटर पे आपके छत से दिखाई दिया होगा, क्योंकि हर वक्त सवाल यही उठता है कि ऐसा सरकार किस काम का कि एक बेचारी बच्ची को रात में बिना परिवार को बताए जला दिया जाता है। एक ऐसा सुरक्षा, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, रात में टायर से बांध कर जला दिया, ऐसी बातें उठती हैं। तो आप बताइए, क्या सच्चाई कितनी है इसमें? टायर से क्यों जला गया, उसमें उसके परिवार के लोग शामिल थे। दाह संस्कार में क्या होता है, उसके परिवार के फैमिली के लोग जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे मेन आदमी न जाकर के उसके परिवार के लोग चले जाते, तो उसके चाचा ताऊ अन्य लोग भी तो उसमें शामिल थे दाह संस्कार में। उसको फुटेज को देखे ना, वो जो जहाँ पर वो लड़की को जलाया गया है, उसमें उसके परिवार के लोग जो शामिल हैं उनको देखें, उनको पहचान करेंगे कि ये परिवार के लोग हैं या नहीं है। और फिर इनको सभी को पता थी कि लड़की का दाह संस्कार हो रहा है, वो अपने गमगीन माहौल में थे, इसलिए उन्होंने अपने चाचा ताऊ और अपने भाइयों को वहाँ पर जगह पर भेजा था रात को। कोई उसमें ऐसी कोई मतलब, ये सिर्फ झूठी बात है कि परिवार को नहीं पता था? नहीं, परिवार को पता थी। अगर परिवार को पता नहीं थी तो रात को डीएम की गाड़ी और एसपी की गाड़ी पर या पुलिस अधिकारी की गाड़ी पर पथराव क्यों किया गया था? अगर इनको पता नहीं थी तो, अगर इनको पता नहीं थी तो फिर रात को ये इन्होंने शोर शराबा क्यों किया था? इनको कैसे पता पड़ गया कि हमारी लड़की को रात को जलाया गया है? जब इनको सारी घटना की मतलब जानकारी थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हाथरस को बदनाम करने के लिए और इन लोगों की चाल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो लोग अपनी राजनीति रोड। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं हाथरस कांड, अरे साले तुम्हारी तो बुद्धि ख़राब हो चुकी है। हाथरस कांड में ऐसा कुछ नहीं है। अरे जो कुछ होना था वो हो चुका, फिर भी उस परिवार की सेफ्टी हो रही है, CRPF गाँव के अंदर पड़ी है। और क्या करना चाहिए? और उसके लिए क्या आप बैरिकेड लगवाना चाहते हैं या बाउंड्री करवाना चाहते हो? घर के अंदर कैद करना चाहते हो उस परिवार को? आपकी मानसिकता कितनी छोटी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष वाले, चाहे वो RLD वाले सही, चाहे सपा वाले सही, चाहे कांग्रेस वाले सही, आप लोग जितने भी बाबा के शासनकाल पर उंगली उठा रहे हो, आप सभी फेल हो। और अगर हकीकत ही जानना चाहते हो तो दोनों पक्षों से मिलकर के बातें करो। ये नहीं है कि एक ही दलित परिवार, ये से मजाक मत बनाओ। दूसरा भी आदमी परेशान हो चुका है आपकी इस बातों को सुन करके, तो आप दलित परिवार ये उसको क्या मजाक बना दिया है? वो भी एक इंसान है, कोई पशु नहीं है। दलित के नाम पर यहाँ राजनीति हो रही है और दलित के नाम पर सारा एक पूरा ध्रुवीकरण बनाया जा रहा है। आपको लग रहा है ऐसा? ये दलित के नाम पर ध्रुवीकरण बनाया जा रहा है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ दलित है कौन, मुझे ये बता के तो। ये दो परिवार हैं, ये उसको आप दलित कहते हो? यहाँ तो सभी ठाकुर ब्राह्मणों का गांव है, सभी ठाकुर ब्राह्मणों का गांव है और सभी भाईचारे की तरह रह रहे हैं। अब इन्होंने दलित का हल्ला मचा रखा है। अगर कांग्रेस वाले और सपा वाले इतने ही ज़्यादा दिमाग के तेज व्यक्ति बनते हैं तो इस बूलगढ़ी कांड के बाद, हाथरस वाले कांड के बाद, राजस्थान में बाबा करौली के आसपास वो एक बाबा को जिंदा जला दिया गया था। वहाँ कांग्रेस सपा वाले और कांग्रेस वाले क्या कुएं में कूद गए थे? कहाँ गए थे? उन्हें अपने राज्य में कुछ नहीं दिखाई पड़ा। लखीमपुर में गए ना? हाँ, लखीमपुर में देखो सपा वालों का अभी उन्नाव में कांड देखो, वहाँ लड़की लाश निकली है। सपा वाले क्या किसी से बात करने लायक हैं? अगर बात करने लायक हैं तो सीधे जनता के बीच आकर बात अपनी सफाई पेश करें कि वो आपका मंत्री था या नहीं था। अगर इतनी उनको तो अच्छा एक बात बताइए सर, उस वक्त हमने देखा कि राहुल गांधी भी आए यहाँ पे, प्रियंका गांधी भी आए यहाँ पे, लगभग विपक्ष के हर नेता यहाँ पर आकर अपना अटेंडेंस दे रहे थे, अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर रहे थे। उस वक्त बहुत दया भी आ रही थी, इस वक्त बहुत ज़्यादा पीड़ित परिवार, दलित बेटी, दलित की बेटी, ये सब चल रहा था। लेकिन उसके बाद कोरोना आया तो इस गांव में कोई पूछने भी आया कि कैसे रह रहे हैं सारे गांव परिवार वाले लोग, किस तरीके से गांव रह रहा है, क्या भूखमरी है, क्या है, कैसे? कोई देखने भी आया दोबारा इस गांव में? गांव बूलगढ़ी के अंदर कोरोना के शासनकाल में कोई भी बंदा नहीं आया। केवल एक बीजेपी के शासनकाल में बाबा योगी आदित्यनाथ का राशन पानी मुफ्त में अपना जो कुछ भी मिला है, हर सुविधा उनको मिलती रही है, पूरे गांव को मिली है। मगर सपा वाले, बसपा वाले और कांग्रेसियों ने आज तक उस घटना के ताजक्रम के बाद बूलगढ़ी के अंदर आज तक घूम कर द्वारा उसके गाँव की राजी खुशी ये नहीं ली है कि वो गाँव किस नक्शे पर बसा हुआ है। अच्छा, तो एक बात बताइए सर, एक छोटी सी बात और मैं पूछना चाहूँगी। CBI की रिपोर्ट के अनुसार जहाँ पे जब रिपोर्ट हो रही थी, जब जांच हो रही थी, तो ये निकला था जो पीड़िता जिसको बोला जाता है, जो आज नहीं रही हमारे बीच, उसके लगभग फ़ोन से 108 कॉल्स हुए थे, लगभग 108 कॉल्स, और इधर लड़के के फ़ोन से लगभग 60-65 कॉल्स थे। तो ये कैसा मतलब था कि ज़बरदस्ती मारा गया जब लड़की खुद कॉल कर रही है इतनी सारी? वो उन फुटेजों को देखें जो लड़की ने थाने में सीधे SI के सामने जो बयानबाजी की है। मैं तो न्यायपालिका से भी यह मांग करता हूं कि पहले उन फुटेजों पर गौर करें कि वो लड़की किस परिस्थिति में थी। नाजायज बच्चों को न फंसाया जाए। मैं न्यायपालिका से रिक्वेस्ट करता हूं कि सारी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पहले उसकी फुटेजों को देखें, फिर उसके बाद अलीगढ़ के जो डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है उसको देखें, फिर AIIMS की रिपोर्ट को देखें। जब उसमें उस लड़की के साथ ना तो रेप हुआ है, ना ही ऐसी कोई जीभ कटी है, ना ही अन्य कोई वारदात हुई है, तो फिर उन तीन मानता हूं कि उनमें से एक दोषी हो सकता है और नहीं भी पर। मगर वो तीन बच्चे किस कारण से उन्होंने वो उसको फंसा के रखा है? कम से कम न्यायपालिका उन तीन बच्चों को तो कम से कम जमानत दे, जिससे कि वो अपने बच्चों को पाल सकें। हमने ये भी सुना कि जो लड़का जेल के अंदर है और चाहे लड़की का जो भाई है, दोनों का नाम संदीप है, तो एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ? हाँ, दोनों का नाम संदीप है। इसमें उस जो वादी बनाया गया है वो लड़का का नाम भी संदीप है और इसमें लड़की के भाई का भी नाम संदीप है। मगर अब सच्चाई, पीड़िता मर चुकी है, अब वो राज उसके साथ दफन हो चुका है। ये परिवार वाले जाने कि संदीप नाम का किसकी तरफ इशारा कर रही थी। एक बात और, यहाँ पे मैंने उनसे भाई से भी बात की, उन्होंने बोला कि सरकार इतनी ज़्यादा निर्मम है कि लगभग 1.5 साल से बात हो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी तक, इस सरकार ने फास्ट ट्रैक की बात नहीं की, अभी तक ये नहीं, उनको घर नहीं मिला, उन्हें नौकरी नहीं मिली, अभी तक उनके ऊपर इतना मतलब क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, अब उनको क्या चाहिए, वो क्या उसके नाम पर अब धन संचय करने की उनकी नीयत बन चुकी है। इसमें कांग्रेस वाले उन्हें फंड देते रहे, सपा वाले देते रहे। अब उसको जो सुविधा है वो सपा वाले और कांग्रेस ही देंगे। बाबा योगी आदित्यनाथ पहले उस केस की तह तक जाएंगे, उसके बाद जो कुछ भी उसे सुविधा होगी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और रही उसकी बात, तो उसके पास बताया जाता है कि हर पार्टी फंड देती रही है, वो तो वो जाने। हमें अन्य पार्टी वाले बताते रहते हैं कि साहब उसके लिए इतनी हमने मदद की है, उसके पास इतनी मदद की है, वो तो ये बताएंगे कितने क्या मदद की है। अगर इतनी सारी पार्टी की फंडिंग है तो अगर आज के टाइम में अगर अकाउंट की उनकी पड़ताल हो तो लगभग 2-4 करोड़ रुपए तो निकल ही जाएंगे। हाँ, निकल सकता है जी। अगर बात करते हैं, हम यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं 20 तारीख को आपके हाथरस में, आपके हाथरस विधानसभा में और भी अन्य विधानसभा में आपके फेज 3 के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है और वो भी पूर्ण बहुमत में बनेगी। 300-325 के लगभग सीट आएंगी और विपक्षी हैं, वो अपना मनोबल उनका गिर चुका है और बाबा के फेवर में संभल, सहारनपुर, गाजियाबाद आज इधर से रुझान अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे एक आरोप लग रहा है कि जब ईवीएम पे साइकिल का बटन दबाते हैं तो कमल की पर्ची निकलती है। ये बात अखिलेश यादव जी ने अपना सोशल मीडिया, अपने ट्विटर पर खुद निर्वाचन आयोग को बोला है, इलेक्शन कमीशन को बोला है कि इसकी जाँच किया जाए। देखिए अखिलेश भाई साहब, पहले तो आप दिमाग से कंफ्यूज हो। कंप्यूटर राज में कैसे ये तकनीकी हेरफेर हो जाएगा, जरा अखिलेश भाई साहब मेरे सामने साबित करके दें। बाहर से पढ़ कर आए ना सर? हाँ, वो बाहर पढ़ के आए हैं तो वो जरा वो वही प्रक्रिया को जान सकते हैं। इसकी जानकारी शायद गांव के इंसान को कम है। एक बात बता के दो, साइकिल पर डालो तो वो साइकिल पर जाएगा, कमल पर डालो तो वो कमल पर जाएगा और साइकिल पर डालो तो वो कमल पर जाएगा। तो अगर जब इनके प्रत्याशी जहाँ जहाँ जीतते हैं तो वहाँ वो ईवीएम कहाँ जाती हैं? मुझे एक बात बता करके दें, कहीं भी तो इनके प्रत्याशी जीतते हैं या नहीं जीतते हैं क्या? यहाँ वहाँ या अखिलेश भाई साहब अपनी जो मशीनों को रखवा देते हैं क्या अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए? अखिलेश भाई साहब अपने ईवीएम मशीन अपने तरीके से सेट कराते हैं। ये सभी के लिए निर्वाचन आयोग की मशीन है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो अब अखिलेश भाई साहब आप भ्रमित हो। आप जनता सब जानती है किसको मत देना है, किसको नहीं देना है और आप क्या सिद्ध करना चाहते हो। कभी अंसारी, कभी वो रामपुर के वो आजम खान और नादिर हुसैन जैसे प्रत्याशियों को आपने जो टिकट दे रखा है, अखिलेश भाई साहब आपका तो बिस्तर गोल हो चुका है। आप अपनी पहले पार्टी की छवि सुधारें कि हमें स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी चाहिए, गुंडागर्दी वाली पार्टी वाले चाहिए, क्योंकि वो कल पिछले चुनाव में दूसरे चरण के जो मतदान से पहले कुछ वो वहाँ के रामपुर के और वहाँ के जो प्रत्याशी थे उनके सपोर्टर वो कह रहे थे कि हिंदुओं के हाथ काट देंगे, हिंदुओं की जुबान काट देंगे। इस पर बयानबाजी बंद कराइए अखिलेश भाई साहब, अपने समर्थकों को समझाइए ये हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हिंदुओं को भड़काने की कोशिश न करें मोमडन भाई, क्योंकि अगर किसी हिंदू को जरा सी भी अगर थोड़ी सी गुस्सा आ गई तो देश के अंदर क्या बवाल मचेगा, इसका खामियाजा भुगतेगा कौन? आप तो राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद अलग हट जाओगे और देश के अंदर जो स्थिरता का और शांति का जो माहौल चल रहा है वो काफ़ी तरीके से ख़राब हो जाएगा। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जो हाथरस कांड चल रहा है, क्या लगता है इस बार इस चुनाव में, हाथरस विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पे उस चुनाव में उसका असर पड़ेगा एक बार फिर से? क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगी उस पर? देखिए उस चुनाव पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ सभी लोग सिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड कोई नहीं है। और रही इलेक्शन की बात, तो यहाँ पर फर्क तो कुछ नहीं, सभी बाबा की फेवर में मतदान कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से बाबा का दौरा यहाँ पर हुआ है। कल 14 तारीख में हुआ है सिकंदराऊ, हाथरस विधानसभा, सादाबाद विधानसभा, तीनों क्षेत्रों में बाबा की विशाल जनसभा संबोधित हुई है और सभी ने बाबा का जोरदारी के साथ स्वागत किया है। और दूसरी बात यह है कि कुछ हाँ मोमडन भाई बाबा से खपा हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने 2 नंबर के कारोबार करने हैं। किस तरीके का 2 नंबर का कारोबार चलता है हाथरस में? हाथरस में यही है, चोरी चपाटियां, भैंस खोल ले गए, किसी की मोटरसाइकिल बाइक उठा ली, उसको कटवा दिया मेरठ फेरठ में और इधर उधर 2 नंबर के कारोबार कर। क्या लगता है अब उनका भी डंडा बुरा गुल है जब से बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई? क्योंकि बोल रहे हैं विकास के साथ बुलडोजर भी चलता रहेगा। हाँ, बाबा का बुलडोजर चलेगा, पूरी दमदारी के साथ चलेगा, क्योंकि बाबा ने ये एक तरीका से पढ़ ले रखा है कि न वो राज्य के अंदर माफिया, गुंडागर्दी वाले और जो जाति हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ उनका डंडा फिर से कानूनी डंडा तैयार रहेगा। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, एक दो सवाल और आपसे पूछूंगी। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसके बावजूद हमेशा से मुद्दा कि मुजफ्फरनगर भी दंगे हुए और इतने सारे दंगे होने के बावजूद भी इतनी चीज़ों को बहुत आराम से हैंडल किया योगी आदित्यनाथ ने। अब फिर भी उनके ऊपर लांछन लगते हैं कि हाथरस कांड है, हाथरस कांड है। और यहाँ पर ये बातें भी चलती है कि EVM पर बटन दबाने वाली बात, फिर ये होती है कि साइकिल पर बटन दबाओ, नया पाकिस्तान बनाओ, इस तरीके की बातें होती हैं। तो क्या है ये? फिर जिन्ना की बात होती है, औरंगजेब की बात होती है, पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, क्या है ये सब? देखिए, जिन्ना, पाकिस्तान, ये कांग्रेसी वाले लोग ही लेके आते हैं, सपा वाले लेके आते हैं। कांग्रेस तो कहती है कि पाकिस्तान जाओ और मोदी को हटाओ जी। और राहुल गांधी और वो अखिलेश भाई साहब कहते हैं कि साहब जिन्ना तो हमें प्यारा है, हिंदुस्तान हमारा नहीं है। तो वो भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के कुछ समय, अगर बाबा का हिसाब किताब ठीक ठाक रहा तो वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान ही प्यारा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता से उन्हें प्यार नहीं है। अगर हिंदुस्तान की जनता से प्यार होता तो वो पहले तो मुजफ्फरनगर के दंगे पर पहले तो बोलते, अपना लॉ एंड ऑर्डर संभालते, कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करते। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक हमारे वो भाई साहब हैं RLD से, जयंत चौधरी साहब, उनको भी भ्रमित कर रखा है। अरे जयंत भैया, ये जब अपने चाचा अपने परिवार में नहीं हुए, अपना भाभी जो BJP में कूद चुकी हैं, तो अब आप इससे ज़्यादा और क्या इनके सामने क्या सबूत दिया जाएगा? और मुजफ्फरपाल यादव से कहते रहे कि आपको चाचा 6 सीट दूंगा या 10 सीट दूंगा। उनको एक जसवंत नगर की सीट है, उनके हाथ में एक लॉलीपॉप का झंझना पकड़ा दिया है, सो चाचा जी उसे चूस रहे हैं बैठ के, बेचारे प्रचार को चल रहे हैं। और रही उसके जिन्ना की बात, तो वो मोमडन थे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कभी जिन्ना मिन्ना ये कभी नहीं आने वाले हैं। यहाँ तो केवल महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर की बात आई है तो वहीं पे मुझे भीम आर्मी, चंद्रशेखर की भी बात याद आती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी, अब जिन्हें रावण रावण जैसा भी कुछ कहा जाता है, क्या है ये पूरा रावण रावण वाली बातें? अरे उस मैडम, उस रावण की तो देन ही थी, बूलगढ़ी का दंगा भड़काने में उस रावण की तो देन ही थी। देखिए, मैं आपसे बात करूंगी, एक बार उनसे भी बात कर लेती हूँ। चाय पी रहे हो, बहुत प्यारा कप है आपका जी। क्या है ये चंद्रशेखर रावण रावण, क्या है आप मुझे बताइए? नहीं, पी लीजिए, चाय पी लीजिए तुम्हारी। देखो ऐसा है कि जो चंद्रशेखर रावण आए थे उन्होंने राजनीति करी है, सब यहाँ पे आगे हमारे घूरे फूरे माँ परे सब इन्हें हटवाए दे, हमारे हेरू फेरू सबरे माँ गड्ढा नम फेंकवाए दे, हमारे खातने गड्ढाए माटिया हमारे, और रात में आए कि चोरी थे सबरे घूरे फूरे हटवा के, और सबरी राजनीति यहाँ गड्ढा रही कि मेरी बहन है ये, कि वो है ये है, ये स्थिति की है उन्होंने की है। जो मतलब रावण रावण जो है, क्यों रावण कहा जाता है उनको? हाँ। आपने रामचंद्र जी के शासन काल में देखा था रावण को, उसकी बुद्धि खराब हो गई थी, सीता जी को चुराया था। अब इस शासन काल में देखो वो दलित दलित चिल्लाता रहता है, वो पागल हो चुका है रावण जी। वो कभी अखिलेश के पास जाता है, अगर वो इसमें इतना ही दलितों का वो हितैषी समझ रहा, अपने आप को बनाता फिर रहा है। तो मुझे एक बात बता के दीजिए, वो अपनी माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लखनऊ गया था, अखिलेश भाई साहब क्यों नहीं आया? अगर अखिलेश भाई साहब उसे अपने सपोर्ट में लेना चाहते तो उसे पहले बुलाते अपने पास, उसको लात तो मार दी अखिलेश भाई साहब ने। जी, जी, जी। अब आप अखिलेश को तो पहले, रावण को तो पहले यही सोच लेना चाहिए कि उससे कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो वो क्यों इधर उधर भटक रहा है? भाई अपनी पार्टी को या तो एक जगह सेट करे, या फिर न हो तो फिर बाबा की पार्टी में आ जाए, कम से कम दलित तो बच्चे रहेंगे। या फिर मायावती के शासनकाल में अब जाटव या दलित भाई 2 जगह बट चुके हैं। कुछ लोगों को तो है कि रावण को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं दलितों से एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे एक बात बता करके दो, सपा के शासनकाल में और बसपा के शासनकाल में ताज कॉरिडोर के मामले में बहन कुमारी मायावती ने गबन नहीं किया था क्या? मुझे एक बात बता करके दो। दूसरी बात, सपा के शासनकाल में गुंडागर्दी और ये सभी कार्य हुए थे। अगर मायावती जी अगर इतनी ही दलितों की मसीहा बनती हैं तो मुझे एक बात बता करके दें, उन्होंने हाथरस जनपद से कितने दलितों को अपने यहाँ सरकारी जॉब दी। दूसरी बात, अखिलेश भाई साहब कहते हैं कि साहब दलित और मोमडन, हाथरस जनपद से कितने मुसलमानों को और कितने दलितों को उन्होंने अपने यहाँ रोजगार दिलवाया। और अब आ जाइए आप बीजेपी के शासनकाल में। बीजेपी के शासनकाल में यदि नौकरियां नहीं मिली हैं तो किसी भी वर्ग को नौकरी नहीं मिली है। अगर नौकरी बाबा देते हैं तो सभी को समानता के साथ देते हैं। जैसे कि बाबा ने अभी सभी के लिए मकान दिए तो वो उसमें हिंदू, मुसलमान, जाटव, दलित सभी को दिए हैं। राशन भी सभी को समानता के साथ मिला है। बाबा ने जो किसान सम्मान निधि जो आ रही है वो भी सभी के साथ समानता के साथ भेजी है उस सभी के खाते में। अब सिलेंडर जो दिए बाबा ने वो भी समानता के साथ दिए गए। और क्या लेना चाहती है जनता? आखिरी सवाल मैं पूछूंगी आपसे, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे ठाकुर ब्राह्मणों का है, तो हमने ये भी सुना कि ठाकुर तो सब खुश हैं पर ब्राह्मण समाज काफ़ी नाराज़ है योगी आदित्यनाथ से, क्या वजह है इसकी? ऐसा है बाबा योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण कोई ना खुश नहीं है, बाबा की पार्टी में ब्राह्मण भी बहुत हैं। कुछ लोगों की ओछी मानसिकता है कि ब्राह्मण ना खुश हो, कौन कहता है कि ब्राह्मण खुश नहीं है? सभी ब्राह्मण। अब हमारे क्षेत्र के रामीर उपाध्याय जी वो ब्राह्मण नहीं है, वो भी तो बीजेपी में गए हैं। अगर ब्राह्मण ना खुश होते तो बाबा की पार्टी में क्यों जाते हैं ये लोग? तो ऐसा है कि ये तो लोग ओछी मानसिकता वाले हैं, ये दुष्प्रचार तो करेंगे करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा ये सारी सच्चाई जो हमें बहुत ज़रूरी था जो आप तक पहुँचे, जो ऐसी सच्चाई जो शायद आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगी, नहीं बताएगी, वो सच्चाई जो हमेशा से उठती है कि किस तरीके से एक पीड़िता को रातों रात बिना किसी परिवार को इन्फॉर्मेशन दिए बिना जला दिया गया है, वो सच्चाई भी सामने आई है। तो आप इस वीडियो को आग की तरह शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक सच्चाई पहुँच सके। बाकी चैनल पर आप यूँ ही बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।